नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपोलो टायर शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अगर हम लोग बात करें अपोलो टायर शेयर के ऊपर, तो इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था 2 डेज बैक, जब ये आपको 250 के राउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा था, तो वहां से स्टॉक जो है ऑलमोस्ट आपको यहां पे 268 का हाई लगा के अभी करेंटली 263 रुपीज के राउंड आपको यहां पे ट्रेड कर रहा है। आज अगर देखेंगे तो अभी मार्केट आपको ओपन है और यहाँ पे जो है एक रिट्रेसमेंट हम लोगों को दिख रहा है, क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ पे रैली हुआ है। 225 से आपको वन वे रैली हुआ है, कहीं पे भी यहाँ पे हम लोगों को निगेटिव कैंडल नहीं देखने को मिला है। एक बार जब 225 से रैली स्टार्ट हुआ, तो इसी वजह से जो है यहाँ पे एक हम लोगों को रिट्रेसमेंट कैंडल देखने को मिल रहा है। तो चलिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था 250 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको एक अच्छा मोमेंटम किया। वापस से यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे आपको अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, तो वीकली चार्ट पे क्लियरली जो है स्टॉक में काफी अच्छा ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर देखेंगे तो 250-260 के लेवल के ऊपर जो है स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे आपको सस्टेन कर रहा है। और इस लेवल के राउंड, इससे पहले आपको 2 अटेम्प्ट लिया था यहाँ पे, इस लेवल के राउंड क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। आज का कैंडल अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपको इस लेवल के राउंड क्लोजिंग हो जाएगा। अभी आपको 1220 हो रहा है, 330 तक है, अभी आपको 3 आवर और है, बट यहाँ पे जो है मार्केट में ज्यादा बड़ा आपको इस स्टॉक में गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है, एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो कंफर्टेबली स्टॉक जो है 260 के ऊपर जो है यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है, और 260 के ऊपर अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देगा तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट होगा। इसके बाद जो पहला टारगेट होगा सीधा आपको 300 का टारगेट होगा, और उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे आपको अनचार्टर्ड टेरिटरी में चला जाएगा। तो क्लियरली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है नीचे के लेवल से काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड में है। यहाँ पे क्लियरली हम लोग अगर ऑलरेडी पोजीशन बना लिए हैं इससे पहले के वीडियो देख के, तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आपका व्यू यहाँ पे लंबे समय के लिए है, तो यहाँ पे जो है आप बिल्कुल इस स्विंग लो के नीचे जहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन किया था, ऑलमोस्ट आपको 160 के लेवल के नीचे अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके आप यहां पे कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। इन बिटवीन में यहां पे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद जो है स्टॉक में एक अच्छा तेजी यहां पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में अगर बात करेंगे, तो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म में जो है यहां पे आप 200 के स्टॉप लॉस के साथ भी जो है यहाँ पे आप ट्रेड को यहाँ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आप बाई पोजिशन को इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपका टारगेट जो है 1:2 का होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी लेवल्स जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।